समझ रहे राजू क्या हर फिल्म में जैसे एवरी एलिमेंट इन द फिल्म इज इम्पॉर्टेंट, जैसे परफॉर्मेंसेज है, एक्टर्स है, एडिटिंग है, साउंड है, तो उसी तरह से बैकग्राउंड एक बहुत अहम हिस्सा है। जैसे गाने हैं वैसे बैकग्राउंड भी एक अहम हिस्सा है, तो जो फिल्म के एक मूड को, इमोशंस को, ऑडियंस को उसमें ड्रॉ करने में जो एक्सपीरियंस है फिल्म का पूरा, उसको कंप्लीट करने के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़रूरी होता है। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा दे दिया या थोड़ा सा फिल्म के साथ सिंक में ना गया जाता हो बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो आपका पूरा एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है फिल्म का। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है कि भाई वो एक आखिरी आपका जो फिनिशिंग लाइन पे एक आखिरी बड़ा काम होता है, क्रिएटिव काम होता है, जिस जो बहुत संभल के करना पड़ता है। मतलब मुझे सर ने बताया कि हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक काम कर रहे हैं, सो आई थॉट कि बिकॉज ये फिल्म हमने बहुत प्यार से, बहुत दिल से बनाई है मिलकर, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं पीछे रहूँ, मैं भी आना चाहता था और मैं देखना चाहता था कैसे काम हो रहा है। और देखिए एज एन एक्टर मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस को एक अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत इन्हांस कर सकता है, तो वही आई थिंक राजू ने वो मैजिक किया इस फिल्म के साथ, परफॉर्मेंस को बहुत इन्हांस कर दिया आज म्यूजिक के साथ। I take background music as it's an outline giving beautiful colors. So faded ho, jada bright ho, same way the picture jaise spoiler kiya, I think it take it that. Background music ke jaise hum log underline karne hoti certain cheeze hai jo the director's thought of it ki kabhi bhi music speak kar raha hota hai. You know there's no dialogue but music has to say something. And every time I work with him on a film or a project, I think there's a lot to learn from him. राजकुमार जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बेदी को कहा था कि काफी टफ किरदार है आपके लिए, सिटी लाइफ में जो आपका किरदार है काफी टफ है, तो किस तरह का किरदार है जानना चाहूंगा। ये कैरेक्टर है दीपक सिंह, ये राजस्थान के बहुत ही एक छोटे से जगह से आया है और पहली बार एक शहर में आया है, वो भी बॉम्बे जैसे बड़े शहर में आया है, तो उसी की उनकी उसकी फैमिली उसकी उसकी फैमिली की कहानी है ये, वो कैसे बॉम्बे उनको ट्रीट करता है इतने बड़े शहर में, उनका पहला एक्सपीरियंस कैसा है। तो टफ इस लिहाज से था कि एक्सेंट था काफ़ी राजस्थानी इसमें और इमोशनली बहुत बहुत चैलेंजिंग रहा है कैरेक्टर मेरे लिए, इट्स वेरी हाई ऑन इमोशंस। और पहली फिल्म में जो है शाहिद में आपको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तो दूसरी फिल्म से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, देखते हैं, अभी नहीं बताना चाहूँगा मैं, उम्मीदें तो सबको होती हैं, मेरी भी बहुत उम्मीदें हैं, क्यों ना। हर क्रिकेट टीम में कैप्टन का एक ओपनिंग बैट्समैन होता है जिस पर आप डिपेंड करते हो, तो राजकुमार मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, यू नो जब तक तेंदुलकर रिटायर नहीं होगा आप तेंदुलकर पर डिपेंड करोगे, तो मेरा तेंदुलकर ही है, यू नो सो इट्स अ मैटर ऑफ कि जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली राजकुमार दिखने लगता है कि अच्छा ये राजकुमार के लिए, तो आप क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस कर चुके हो जिसमें आपने देखा है कि एक एक्टर आपको जो आपने सोचा था उससे कई ज़्यादा आपको देता है, और एक इन्वॉल्वमेंट का लेवल है राजकुमार का, तो मुझे अच्छा लगता है, कई बार चैलेंज करता है मुझे, सवाल करता है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, तो आपको सोचने पर मजबूर करता है, इट इवेंचुअली आपकी फिल्म बेहतर बनती है उससे, उसे आपका ईगो नहीं हर्ट होता है, फिल्म बड़ी बनती है, तो वो कंफर्ट है मेरा राजकुमार के साथ, तो जब कंफर्ट है तो क्यों ना हम आगे काम करें। बट इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन ऑफ कास्टिंग इन द मूवी, सोसाइटी में अपने कास्ट किया था, तो क्या सोच सकती हो दिमाग में? नहीं, ये इसमें तो राजकुमार ने मुझे कास्ट किया है, ऐसा करें नहीं, ये फिल्म एक्चुअली विशेष फिल्म्स ने राजकुमार को साइन किया था, उन्होंने शाहिद देखी और उन्होंने मुझे बुलाया, और ये मेरे लिए डिसीजन लेना ज़्यादा आसान था कि ये फिल्म मैं करूँगा, क्योंकि राजकुमार ने ऑलरेडी हाँ कह दिया था इस फिल्म के लिए,
तो राजकुमार की स्क्रिप्ट सेंस को मैं बहुत अहमियत देता हूँ, मुझे लगता है कि वो समझता है स्क्रिप्ट्स और तो मेरे लिए डिसीजन लेना आसान था कि राजकुमार है, एक कंफर्ट लेवल है उसके साथ। लेकिन ये फिल्म, इतना कहूँगा कि हम वो कंफर्ट लेवल के बाद, मतलब इस फिल्म ने हम लोग को बहुत अनकंफर्टेबल भी कर दिया था इमोशनली। हम लोग जितने इस फिल्म से, हम थक के जाते थे इमोशनली डेली, जब जिस दिन शूटिंग ख़त्म होता था हमें लगता था कि आज थक गए, मतलब और किसी को बाहर किसी को इमोशन देना हमारे लिए नामुमकिन था। सब्जेक्ट देखिए, एक फैमिली है जो राजस्थान को छोड़कर बम्बई आती है और वो किन किन मुश्किलों से गुजरती है और कैसे, जो जिसको आप प्रोवाइडर कहते हैं, जो द हेड ऑफ द फैमिली दीपक, वो किस तरह से अपनी फैमिली को इस शहर के चकाचौंध से बचाने की कोशिश करता है, यहाँ रह के भी इस चकाचौंध से उसको बचाने की कोशिश, उसके चकाचौंध के अंधेरे से निकालने की कैसी कोशिश करता है, वो है सिटी लाइट्स। आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी जब हम फिल्म शाहिद की बात करते हैं, नेशनल अवार्ड फिल्म में जीता है उसकी बात करते हैं, एज एन एक्टर आप और एज एन डायरेक्टर आप दोनों फिर वापस एक नई फिल्म, नए प्रोजेक्ट के साथ हैं, आपको लगता है एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कहीं नर्वसनेस इस बात को लेकर, यू नो पीपल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर दो यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ अलोंग विद अदर मेटाफर्स? नहीं, ऑफकोर्स आई थिंक लोगों की उम्मीदें तो काफ़ी बढ़ गई हैं फिल्म से और काफ़ी मैसेजेस आते हैं इस बात को लेकर, पर यही है कि हम कहेंगे कि हमने तो उसी ईमानदारी से फिल्म बनाई है जैसे शाहिद बनाई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म शाहिद से एक स्टेप आगे ही है। तो उम्मीद तो यह है कि लोगों को, जो लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर उस पर हम खड़े उतरेंगे। या बट काम करते वक्त हमें ये सब चीज़ें बाजू रखनी है। या एक्चुअली वहाँ वो एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस आप पे वो एक्सटर्नल चीज़ें होती है, जो हम काम करते हैं वो काम में तो सच्चाई होती है, हम ये सोच के नहीं काम करते। शायद हमने ये सोच के नहीं बनाई थी कि नेशनल अवार्ड मिलेगा या फिल्म टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में जाएगी, हमने फिल्म बनाई थी और हमारे एक ही उम्मीद थी कि भाई लोग देखेंगे, फिल्म को पसंद करेंगे और उस कहानी का हिस्सा बन जाएंगे, और यही हमारा सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन यही है कि आप फिल्म देखो और इस कहानी का, इस परिवार का आप हिस्सा बन जाएंगे। राजू जी, आप क्या कहेंगे, म्यूजिक हर लिहाज से फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है, चाहे वो बैकग्राउंड हो चाहे वो मेन संगीत को लेकर हो, इस फिल्म के बैकग्राउंड क्या कहना है, किस तरह का बैकग्राउंड होगा, कितना उस स्टोरी को जिस तरह की कहानी कहने की कोशिश करी जा रही है? आई थिंक हमने बहुत कंटेम्प्रेरी म्यूजिक किया है एंड ऑर्केस्ट्रल सेल्टिक फील के साथ में यूज किया, जैसे उन्होंने बताया था कि राजस्थानी कैरेक्टर प्ले कर, तो उसको एनफोर्स करके हम सिर्फ राजस्थानी म्यूजिक लाए बैकड्रॉप, बिकॉज आई थिंक the way the character everything has been done, मैं तो खुद इतनी बार पूछ रहा था कि ये how do you study that body language, how तो dialect everything, so it's already got that region, तो हमें उसमें और राजस्थानी music वो सब बनने की जरूरत नहीं है, so we've gone like a very contemporary orchestral to the story, I think that's what we've done. आज आपने अब तक जितनी फिल्में की हैं, जो भी फिल्म के किरदार आपने निभाए हैं काफी नोटिस रहे और अमूमन कहा जाता है कि काम में भी सर कर जाते हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें आ गई, थोड़ा पैसा कमाना शुरू कर दिया, पर अदरवाइज लाइफ बिल्कुल सेम है, मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ और मुझे लगता नहीं अभी मुझे कामयाबी मिल गई है, आई थिंक अभी बहुत दूर है कामयाबी, एक अच्छी शुरुआत हुई है पर अभी आई थिंक कामयाबी में भी टाइम है, बहुत टाइम। फिर भी प्रोफेशनली कितने बदली क्या पहले अमूमन ऐसा हो, अभी स्क्रिप्ट ज़्यादा आने लग गई हैं, पहले जो डायरेक्टर मुझे मुझे मिलते नहीं थे तो अभी वो खुद मिलना चाहते हैं, और तो ये कि ऑप्शंस ज़्यादा बढ़ गए हैं अभी फिल्म को चुनने के, बाकी ज़्यादा कुछ आई डोंट थिंक मैं कुछ बदलाव आया है। राजकुमार, आपने अपना कैरेक्टर इस फिल्म के लिए किस हद तक फील किया है, मतलब किस हद तक आपने अपना कुछ एक्सपीरियंस? सिर्फ इस फिल्म नहीं, आई थिंक सिर्फ इस फिल्म नहीं, हर फिल्म के कैरेक्टर को आपको अपना बनाना ही पड़ेगा अगर आपको उसमें जान डालनी है, अगर आपको वो बिलीवेबल बनाना है, ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। उस कैरेक्टर का कुछ अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं फिर से शाहिद के बाद, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, जब हम सेट पे जाते हैं तो हमको बहुत बातें नहीं करनी पड़ती हैं सीन्स को समझने के लिए, मुझे पता है एग्जैक्टली कि वो मुझसे क्या चाह रहे हैं, उनको पता है कि मैं क्या देने वाला हूँ, तो एक बहुत ही अच्छा एक कंफर्ट लेवल है। जिस स्पिरिट से हमने शाहिद बनाई थी उसी स्पिरिट से हमने ये फिल्म बनाई है। इस फिल्म में थोड़ी दिक्कतें कम आई कि पैसों का फ्लो अच्छा था, प्रोड्यूसर हमारे फिल्म में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई बनाने में,
तो बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा शायद के बाद सिटी लाइट्स में साथ काम करने में। सर जहां आप बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की, सो व्हाट मेक्स डिफरेंस फ्रॉम द अदर फिल्म दिस फिल्म? आई बीन एसोसिएटेड विद विशेष फिल्म्स फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक एंड सॉन्ग्स फ्रॉम आई थिंक 23 पिक्चर कंटीन्यूअसली और ऊपर से हंसल एंड मी हैव बीन फ्रेंड्स लाइक 20 साल से वी वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एवरीथिंग सो वी नो ईच अदर। मेरे लिए भी एक ऐसी चीज़ थी कि दोनों जो साथ में आए और हम मुझे काम करने का मौका मिल रहा है वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। विशेष फिल्म हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ फिल्म्स, हंसल हैज़ अ डिफरेंट स्टाइलिंग ऑफ मेकिंग फिल्म्स एंड बिकॉज ऑफ दोज टू स्टाइल्स गेटिंग फ्यूज्ड इन आई गॉट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड काफ़ी दिन तक हम लोग डिस्कस करते रहे कि किस एंगल में लेके जाए कैसे करें। द सॉन्ग्स अब जीत इज डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड द सॉन्ग्स हेल्प अस सो मच क्योंकि द राइटिंग इज सुपर देयर आर आई थिंक द फिल्म हैज हेल्प जैसे पिक्चर बनी इट्स जस्ट हेल्प अस गेट थिंग्स आउट ऑफ फॉर द फिल्म। कहाँ मतलब कैसे टाइपकास्ट होगा? रागिनी एमएमएस मतलब क्या कर रहा है वो, शाहिद में क्या कर रहा है और क्वीन में क्या कर रहा है और सिटी लाइट्स में, तो आई थिंक बिल्कुल टाइपकास्ट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आई एम लकी कि मुझे इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स करने का मौका मिला। क्या आपको फ्यूचर में चेन्नई एक्सप्रेस और इस तरह की जो कमर्शियल सुपर मसाला फिल्में होती हैं उसमें देख सकती हैं? बिल्कुल, मतलब अगर एक स्क्रिप्ट मुझे एक्साइट करती है एज एन एक्टर और वो मेरी सेंसिबिलिटीज को मैच करती है तो मैं जरूर करना चाहूंगा। चलो दो केक मेरे घर पे लेके आए थे। राजू तेरे को कितना खिलाओ? राजू को पूरा दे दो। बहुत पतला हो गया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ओके मिलेगा आपको, व्यू मिल रहा है? 2 मिनट का पहली पार्टी थी।